हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम मेहर और आप देख रहे हैं शुभम एंटरटेनमेंट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। जैसे कि आप देख चुके होंगे, आज हम बात करने वाले हैं MRI स्कैन के बारे में। उसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैन। तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड और पल्सेस ऑफ रेडियो वेव के हेल्प से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का पिक्चर लिया जाता है जो कि बॉडी के अंदर रहता है। मैग्नेटिक स्कैन में एक बड़ा सा राउंड मैग्नेट होता है और सेंटर में पेशेंट को लाई किया जाता है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं। और मशीन में बहुत सारे छोटे मैग्नेट्स होते हैं जिसको कि ऑन ऑफ करके हम 3D व्यू देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक रिसीवर रहता है और इसे हम जानने के लिए डिटेल्स में देखते हैं। चलिए देखिए, यह है कि MRI स्कैन का एक ब्लूप्रिंट टाइप का, जिसमें RF फैक्टर दिख रहा है आपको, वो है रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है और रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है। रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर रेडियो फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, जैसे कि ये नाम बताता है, और रिसीवर रिसीव करेगा। और उसके आगे स्विच है और उसके ऊपर मैग्नेटिक ग्रेडियंट कॉयल्स है, जो कि X, Y, Z तीनों स्पेसिफिक कॉयल्स है, जो कि X, Y और Z डायरेक्शन में आपको स्पेसिफिक पिक्चर देगा, जिससे कि हम बॉडी को या सॉफ्ट टिश्यू को या कोई भी जो हम देखना चाहते हैं बॉडी के अंदर, वो हम आसानी से देख सकेंगे। और ये मैग्नेट सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट होता है, जिसको -270 डिग्री सेंटीग्रेड कूल किया जाता है विथ लिक्विड हीलियम। आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हम मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से कैसे बॉडी का इमेजिंग कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ, जैसे आप जानते हैं हमारा बॉडी 70% वाटर से बना होता है, H का 2 मॉलिक्यूल और O का 1 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, पेशेंट अंदर जाने के बाद जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, कुछ कॉयल्स रहते हैं, मैग्नेटिक कॉयल्स रहते हैं, और वहाँ से, जैसे मैं बता चुका हूँ कि RF ट्रांसमीटर रहता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर रहता है, वो ट्रांसमिट करते हैं मैग्नेट्स, और वो जो हाइड्रोजन एटम के प्रोटॉन में जाके वो फिर वापस आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।